मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का प्रोडक्ट है और मेरे हेयर पर क्या क्या रिजल्ट इसका आया है। मैं आपके साथ सारा डिटेलिंग शेयर करूँगी, तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पे। इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिले। और गाइस लाइक करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा है। तो चलिए हम वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। सो आज जो मैं प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है बेयर एनाटॉमी का। और इस ये जो है अल्ट्रा स्मूथनिंग जो है शैम्पू है और एक मास्क है, बहुत प्रोडक्ट का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। क्योंकि अगर आपने मुझे फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे तो आपने मेरा स्टोरी अगर चेक किया होगा तो आपने देखा होगा मैं स्टोरी इसका आई थिंक 1 मंथ ज़रूर हो गया है। 1 मंथ बिफोर ही मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तब से मैं जब 1 मंथ से मैं इसे ही ट्राई कर रही हूँ, इसी शैम्पू एंड ये जो है इस मास्क इसी को ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट लगा है। मैं अपना हेयर आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये जो है इसमें क्या क्या है इसका डिटेलिंग मैं आपको सारा चीज़ें भी बताऊंगी, इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है, ये आपके हेयर के लिए हार्म है या नहीं है, सारा चीज़ अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए इसका डिटेलिंग बात कर लेते हैं शैम्पू का। सबसे पहले तो ये होने वाला बेयर एनाटॉमी का अल्ट्रा स्मूथनिंग शैम्पू। अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा है, डल हो रहा है, ड्राई हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, तो आप इस शैम्पू को ट्राई कर सकते हो। मैंने इसे ट्राई किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसमें आपको ऑल हेयर टाइप है, मीन्स आपका हेयर कोई भी टाइप का हो आप इसे यूज कर सकते हो। एंड आपको इसमें जो है मिल जाता है 250 ml इसका प्रोडक्ट का क्वान्टिटी है। पाराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, 100% वीगन है। सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसका जितना भी डिटेल है सारा आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस और MRP प्राइस इसमें 595 है और हेयर मास्क का जो है प्राइस है 745 है। जब ऑफर आते हैं तो आपको थोड़ा कम प्राइस में इसे मिल जाता है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना हेयर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बालों में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गया है, मेरा बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं और बिल्कुल ड्राई हो गया है मेरा बाल। तो मैं इसके लिए कुछ सॉल्यूशन इसलिए मैंने सोचा, तो आपको एंटी फ्रीज आपका हेयर हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको ड्राइनेस से परेशान है, तो आप ये शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। इसमें जो है आपको मिल जाता है, इसके इंग्रेडिएंट की मैं सबसे पहले आपको बात कर लूँ, तो इसमें आपको ग्लिसरीन मिल जाता है जो कि आपके हेयर को मॉइस्चर पहुँचाता है, कोकोनट मिलता है एंड मिल्क प्रोटीन, कोकोनट मिल्क प्रोटीन मिलता है, एलोवेरा मिल जाता है, लीफ का एक्सट्रैक्ट मिल जाता है जो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल डैमेज होने से बचाता है। सो आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो, आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाला है। मैंने इसे ट्राई किया और मैंने अपना देखा मेरा हेयर किस टाइप से, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया एक्चुअली। और इसका मास्क जो है बहुत अच्छा है, मास्क भी आपको इसमें भी इंग्रेडिएंट आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं जो कि आपके हेयर को जो है डैमेज होने से बचाता है और आपके हेयर को स्मूथ करता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो और मैं आपको हेयर का टेक्सचर भी अपना दिखाऊँगी आगे कि किस टाइप से मेरा हेयर इसे अप्लाई करने के बाद हुआ है, तो इस टाइप से आपको मिल जाता है। तो चलिए आपको मैं अपना हेयर दिखाती हूँ, मेरा हेयर को किस टाइप से इफेक्ट आया है। मेरा हेयर जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था और फ्रीजी तो बहुत ज़्यादा मेरा हेयर हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने 1 मंथ ही ट्राई किया है तो मेरा हेयर बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है। मेरा हेयर बहुत ज़्यादा जो है ड्राइनेस एंड फ्रीजी हो गया था और एकदम सॉफ्ट एंड शाइनी भी, थोड़ा सा शाइन भी आया है मेरे हेयर में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया पर्सनली। एंड अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सभी प्रोडक्ट का, दोनों प्रोडक्ट का मैं दे दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने यहाँ पर बस शैम्पू किया है और मेरा बाल बिल्कुल सूख गया है, तब जाके मैं आपके साथ शूट कर पा रही हूँ। तो और मैंने यहाँ पर कोई भी सीरम नहीं अप्लाई किया है। ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये जो हेयर मास्क है ना, आप जब भी शैम्पू कर लेते हो, शैम्पू तो हम नॉर्मली जो करते हैं उसके बाद जो हेयर मास्क को आपको 10 मिनट अपने हेयर पर लगा के रखना है, इसे थोड़ी देर के लिए, जैसे हम कंडीशनर कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है हेयर को स्टेप से लगाना है। ये जो हेयर मास्क है ना, इसका मैं दिखा देती हूँ आपको, इसका कंसिस्टेंसी जो है बहुत थिक रहता है, आप देख सकते हैं। इसे जब भी अप्लाई करना है ना, इस स्टेप से आप यू अपने हाथों में लेंगे, देन आप इस तरह से अपने हेयर पर अप्लाई कर लेंगे और पूरे हेयर पर आपको इसी तरह अप्लाई करना है और आपको 10 मिनट अपने हेयर पर रहने देना है। देन आप इसे वॉश कर सकते हो क्लीन वाटर से बिल्कुल ही, उसके बाद जो है जब ड्राई हो जाए तब आप सीरम लगा सकते हो। तो लेकिन इसका जो इफेक्ट है हेयर मास्क का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आपके हेयर पर रहेगा। अगर आप नहीं भी सीरम अप्लाई करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके जितने भी फ्रीजी है ना उसको ये बिल्कुल रिमूव कर देगा, बिल्कुल आपके हेयर को फ्रीजी दूर कर देगा। तो ये मुझे इसलिए पसंद आया हेयर मास्क, बिल्कुल ही मेरा हेयर स्मूथ हो गया, आप देख सकते हैं।
शैम्पू किया है तो उसके बाद से मेरा हेयर बिल्कुल ही स्मूथ हो गया, आप देख सकते हैं। तो जब जब आप शैम्पू करते हो तो आप हेयर मास्क को भी अप्लाई करना है। तो मैंने जब जब शैम्पू किया है इस शैम्पू से, देन मैं इस मास्क को भी ट्राई की हूँ। तो किस तरह से मास्क अप्लाई करना है मैंने बता दिया है आपको। सो गाइस, आई जस्ट होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इस शैम्पू के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है, शैम्पू एंड मास्क दोनों के बारे में। अगर आप चाहो तो बाय करो, चाहे तो नहीं बाय करो, क्योंकि जो है मैंने इसका डिटेलिंग बता दिया है। मुझे तो प्रोडक्ट ऐड करना होता है, न्यू प्रोडक्ट ऐड करना होता है, तो मैं इसमें से जो प्रोडक्ट मुझे सूट करता है उसे मैं डेली रूटीन में शामिल कर लेती हूँ, और जो प्रोडक्ट नहीं सूट करता है वो बस रखा ही रहता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें सूट करता है वो मैं डेली रूटीन में शामिल कर ही लेती हूँ। सो गाइस, आई जस्ट होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो मेक श्योर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप तो सब्सक्राइब बेलकन जरूर हिट करें, सबको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।